अक्षय और आप देख रहे हैं टू डेज, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। जानवी कपूर फिल्म रूही में अपनी एक्टिंग के जादू से लोगों को दीवाना बना रही है। लोगों को फिल्म में उनकी एक्टिंग पसंद आ रही है। सोशल मीडिया हो या कोई लाइव सेशन, फैन स्टार्स की तारीफ हर जगह करते हैं। कुछ ऐसा ही जानवी के साथ हुआ। हाल ही में उनकी तुलना आलिया भट्ट से की गई है। एक सेशन के दौरान फैन ने कहा कि वह आने वाले समय की आलिया होने वाली है। फैंस से अपनी तारीफ जानने के बाद जानवी खुशी से झूम उठी। फिर जानवी कपूर ने कहा कि यह सुनना मेरे लिए काफी शानदार रहा। आपके मुंह में घी, शक्कर, लड्डू, बिरयानी, जो भी आपको चाहिए। जानवी कपूर ने इस बातचीत में बताया कि वह आलिया भट्ट की बहुत ही बड़ी फैन है। अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक जानवी कपूर की फिल्म रूही देखने के बाद अजय देवगन ने जानवी कपूर के रोल की तारीफ की है और कहा है कि मैं इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ही समझ गया था कि यह फिल्म काफी शानदार होगी। जहां यह फिल्म काफी शानदार है, वहीं इस फिल्म में जानवी कपूर और राजकुमार राव का परफॉर्मेंस भी काफी शानदार है। फिल्म रूही ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर लिया है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही लगभग 3 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जबकि शनिवार और रविवार को पहले वीकेंड में फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी हुई है। जानवी कपूर, राजकुमार राव और वरुण शर्मा स्टारर रूही ने 5वें दिन यानी कि सोमवार को 1.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। वैसे तो यह कलेक्शन बेहद कम है, लेकिन कोविड की स्थिति के कारण ट्रेड एनालिस्ट इसे बेहतर बता रहे हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने अपनी पोस्ट में लिखा, रूही क्रूशियल मंडे को संतोषजनक पकड़ दिखाती हैं। नंबर लॉकडाउन के दौरान रिलीज हुई नई रिलीज के लिहाज से काफी बेहतर है। हार्दिक मेहता के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने पहले दिन 3 करोड़, दूसरे दिन 2.25 करोड़ और तीसरे दिन 3.42 करोड़ और चौथे दिन 3.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। सोमवार तक फिल्म का कुल कलेक्शन 13.93 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं बता दें कि लॉकडाउन के बाद सिनेमा घर खुलने के बाद यह पहली चर्चित बॉलीवुड रिलीज फिल्म है, लिहाजा रूही पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। इस साल की पहली बड़ी हिंदी फिल्म रूही ने रिलीज के पहले दिन टेनेट और वंडर वुमन 84 के भारतीय कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया था। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।